हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रोवेल चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जो है हमारा ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। इस चैप्टर को हम 2 से 3 वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन से। जो आपकी बुक है उसके अंदर कंप्यूटर की डेफिनेशन कुछ इस तरीके की दी गई है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर करके उसके मैन्युपुलेशन में हमारी मदद करता है एवं हमारे द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम करता है। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, बट इसके अंदर 2-3 शब्द जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। सेकेंड थिंग है कि हमें उसके डेटा जो इसकी ये है स्टोर करता है अपने अंदर, जैसे कि डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी इमेजेस हो सकती हैं, आपकी वीडियो हो सकती हैं, वगैरह वगैरह, ये इसको अपने अंदर सेव कर सकता है और उसके मैन्युपुलेशन में हमारी मदद करता है। मैन्युपुलेशन क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं तो जैसे आपकी कोई भी इमेज हो गई, आप उसका क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, आप उसके फोरग्राउंड में कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे आजकल फ्रेम्स वगैरह आप देखते हो कई बार मोबाइल्स के अंदर भी, कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो आपको ये सब करने में आपकी हेल्प करते हैं, और इस तरीके की चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपका डेटा का जो है मैन्युपुलेशन है, डेटा का जोड़ तोड़ है। तीसरी चीज़ इसके अंदर है कि हमारे द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम करता है। तो आप जिस तरीके को इसको इंस्ट्रक्शन देंगे ये उसी हिसाब से आपके जो है काम करेगा। उसके बाद हम आते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर पे, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, आपको वैसे मेजोरिटी पता ही है कहां कहां पर कंप्यूटर का यूज होता है, फिर भी मैं एक बार एन्यूमरेट कर देता हूं। सबसे पहली बात इसमें आता है कि डेटा के मैन्युपुलेशन में हमारा यूज होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही एग्जांपल से कि आप किसी भी इमेज हो गई या आपकी कोई वीडियो हो गई उसको एडिट कर सकते हैं, वो सब हमारा डेटा मैन्युपुलेशन में आता है। या फिर आप इसके अंदर अपना कोई पर्सनल डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको अगर आप कुछ चेंज करते हैं उसके अंदर या फिर उससे कोई नई इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं तो उसको भी हम डेटा मैन्युपुलेशन के अंदर ही काउंट करते हैं। सेकंड चीज इसके अंदर आती है एजुकेशन में, आजकल हम यूज करते हैं एजुकेशन में, एक तो हम लर्निंग में भी यूज करते हैं, जैसे कि आजकल आप अपने लैब में देख रहे होंगे हम ज्ञान का यूज करते हैं, वो एक कंप्यूटर ही है, और इवन कंप्यूटर को हम लर्निंग के लिए भी यूज करते हैं। और इसके बाद हम काफी रिसर्च वगैरह के अंदर भी हम एजुकेशन की फील्ड में ही हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। हॉस्पिटल में भी एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है कंप्यूटर, आप देख रहे हो काफी सारी जो मशीन्स होती हैं वो उसके पीछे इनबिल्ट एक कंप्यूटर लगा होता है जो अलग अलग आपके जो डेटा है उसको प्रोसेस करके आपका काम कराता है आपको। इसके अंदर ऑफिसेज में भी आप देखते हो, कभी आपने गवर्नमेंट ऑफिस विजिट किया होगा या नॉर्मली किसी और भी ऑफिस में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर काफी सारे कंप्यूटर रखे रहते हैं और वो अपने डे टू डे का काम जो है वो कंप्यूटर पे करते हैं। इवन आजकल तो मोस्ट ऑफ द ऑफिस जो हैं वो ऐसे हो गए हैं कि वो डिपेंड ही कंप्यूटर पे कर रहे हैं अपने काम को फास्ट प्रोसेस करने के लिए। फिर इसके अंदर हम ईमेल, चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ईमेल जो बच्चे नहीं जानते हैं वो क्या होता है, जैसे पहले ज़माने में हमारे पहला क्या अभी भी हमारे जो हैं डाक चला करते हैं, कोई चिट्ठी है वो आपको भेजनी है तो वो आप डाक से भेज सकते हैं। अगर यही काम आपको कंप्यूटर के अंदर करना है और बहुत फास्ट करना है तो हम ईमेल से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली हम कोई भी मेल सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर से। जैसे आपने जीमेल सुना होगा, याहू मेल सुना होगा, इनसे आप अपना जो है कोई भी डेटा को, कोई भी मेल को सेंड कर सकते हैं किसी के पास भी। दूसरा है चैटिंग के अंदर हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। चैटिंग जैसे आप लोगों ने सुना होगा व्हाट्सएप पे, आप लोग पता ही है वो सब चैटिंग चलती रहती है। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करते हैं। व्हाट्सएप पे भी ये फीचर आ गया है, आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग 3 लोग भी इसके अंदर एक साथ बात कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आता है बैंकिंग के अंदर भी कंप्यूटर का एक्सटेंसिव यूज़ है। आप लोगों ने देखा ही होगा जो बच्चों ने बैंक विजिट किया होगा वहाँ पर कंप्यूटर लगे रहते हैं और वो अपना सारा डेटा जो है इसी के थ्रू प्रोसेस करते हैं। फिर आपका रेलवेज और फ्लाइट जो हो गई है आपकी, इसकी इन्फॉर्मेशन को के लिए भी आप कंप्यूटर का यूज़ करते हो, प्लस टिकट बुकिंग के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करने लगे हैं आजकल। गेम्स के और एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं, गेम्स खेले जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू, और अलग अलग तरीके के एंटरटेनमेंट के लिए भी, जैसे वीडियो देखना हो गया वगैरह वगैरह, इस या गाने सुनने हो गए, इस चीज़ के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है एक्सटेंसिवली, और आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर भी अलग अलग तरीके के ग्राफिक्स, लोगोज, डिज़ाइन वगैरह वगैरह हम लोग बनाने लगे हैं। तो ये हमारे हो गए यूज़ ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले जब हम कभी भी टाइप्स की बात करते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कोई एक क्राइटेरिया चूज़ करते हैं, कोई कंडीशन चूज़ करते हैं जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों, आपकी क्लास के अंदर अगर मैं बच्चों को बोलूं कि हमें जो आपकी जो क्लास है उसको हमें डिवाइड करना है, और मैं अगर क्राइटेरिया चूज़ करता हूं हाइट, तो अगर मैं बोलूं कि वे सारे बच्चे जो 5 फीट से बड़े हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, वो सारे बच्चे जो 5 फीट से छोटे हैं वो बी ग्रुप में आ जाएंगे, तो हमने इस तरीके से हाइट के बेसिस पे, हाइट के आधार पे हमने अपनी क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है,
अब अगर इसी क्लास को अगर मैं किसी और क्राइटेरिया पे डिपेंड करूँ, या फिर लेट्स से अगर मैं ये बोलूँ कि जो बच्चे स्कूल के 2 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं वो ग्रुप ए में आ जाएंगे, और जो बच्चे 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से स्कूल के अंदर आते हैं वो ग्रुप बी के अंदर आ जाएंगे, तो हमने उन्हीं बच्चों को अलग क्राइटेरिया में अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया। तो जब भी हम टाइप्स की बात करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने कंडीशन क्लियर करनी होती है कि हम वो क्या कंडीशन ले रहे हैं जिसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस है, उसके अंदर जो हम कंप्यूटर को डिवाइड कर रहे हैं वो हम उसके साइज के आधार पर डिपेंड कर रहे हैं, साइज के आधार पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जो ग्रुपिंग है उसके अंदर हमारे 3 टाइप के कंप्यूटर आ जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर आता है वो आता है हमारा डेस्कटॉप। इसके अंदर क्या होता है, बड़ा सा होता है, आप अपने इसको टेबल पे रख सकते हो, और अगर आप इसको 2 पार्ट में तोड़ें शब्द को, डेस्कटॉप मतलब डेस्क के ऊपर रखा हुआ, मतलब जिसको आप डेस्क के ऊपर रख सकते हो वो क्या हो गया, डेस्कटॉप। दूसरा इसके अंदर आता है हमारा लैपटॉप, मतलब जिसको आप अपनी लैप के ऊपर रख सकते हो, अपनी गोदी में रख सकते हो, उसको हम बोलते हैं लैपटॉप। तीसरा इसके अंदर आता है पाम टॉप, पाम जिसको आप अपनी पाम के ऊपर रख सकते हो, हथेली के ऊपर रख सकते हो, उसको हम पाम टॉप भी बोलते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हमने अपने 3 टॉपिक कवर किए थे, कंप्यूटर को हमने डिफाइन किया, उसके बाद हमने यूज ऑफ कंप्यूटर देखा कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, उसके बाद हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर देखा कि हमारे कंप्यूटर कितने टाइप के हमारे कंप्यूटर होते हैं बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पर हमने देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है हमारा इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, और यहाँ से हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट शुरू होता है। आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे जो इनपुट और आउटपुट यूनिट कैसे डिफाइन किया गया है, कि इनपुट यूनिट को बोलते हैं इस भाग से कंप्यूटर में डेटा एंट्री और आदेश दिया जा सकता है, और आउटपुट यूनिट को इन्होंने बोला है कि प्रोसेस डेटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है, जैसे कि मॉनिटर या प्रिंटर। अब अगर आपको इनपुट और आउटपुट यूनिट समझना है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने आप को कंप्यूटर मान लीजिए, और जो पार्ट्स आपसे कनेक्टेड हैं उनका आपको काम समझना है कि वो काम क्या करता है, और अगर वो काम, अगर जो डिवाइस आपके साथ कनेक्टेड है, अगर वो आपका डेटा अंदर की तरफ लेके आता है, इनपुट मतलब अंदर रखना, इनपुट अंदर रखना, आउटपुट मतलब बाहर रखना, आउटपुट बाहर रखना, तो अगर आप अब कंप्यूटर की जगह बैठ गए हैं, वो चीज, वो डिवाइसेस जो डेटा आपके अंदर की तरफ देंगे वो हमारे हो जाएंगे इनपुट डिवाइस, और वो डिवाइसेस जिसके द्वारा डेटा जो है आपसे बाहर की तरफ जाएगा वो हो जाएंगे हमारे आउटपुट डिवाइस। जैसे अगर हम कीबोर्ड की बात करें, तो जब भी हम कोई बटन दबाते हैं, की प्रेस करते हैं, तो आप देखते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग की हमारा कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर की जगह बैठे हैं और आपसे कोई कीबोर्ड कनेक्टेड है, आप कंप्यूटर बने हुए हैं और आपसे सीपीयू बने हुए हैं आप, और आपसे कोई माउस कनेक्टेड है, तो वो माउस या कीबोर्ड जो कनेक्टेड है, तो वो कीबोर्ड से जो डेटा है वो आपके पास आ रहा है अभी, ठीक है, तो मतलब डेटा इन आ रहा है, आपके पास आता है, अंदर आता है, तो वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, जो डेटा को अंदर रख रहा है, आपके पास पहुंचा रहा है। सिमिलरली माउस भी यही काम करता है कि जब हम माउस को मूव करेंगे तो उसका जो पॉइंटर है वो उसी हिसाब से मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आप उसको मूव कराना चाह रहे हैं। तो डेटा किधर आएगा, डेटा दोबारा से आपकी ही तरफ आएगा। सेकंड इसके अंदर चीज़ है आउटपुट। आउटपुट के अंदर क्या आएगा, जैसे आप लोग देखते हैं मॉनिटर, फॉर एग्जांपल आपने कोई कंप्यूटर के अंदर मूवी प्ले कर दी है, तो जब आपने वो मूवी प्ले की है तो वो मूवी कहाँ चल रही है, आपकी स्क्रीन पर चल रही है, तो स्क्रीन से वो जो डेटा है, जो मूवी है, वो बाहर की तरफ आप लोग, ऑडियंस देख पा रही है, लोग देख पा रहे हैं, यूजर देख पा रहे हैं, तो वो डेटा कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, अभी जो कंप्यूटर के अंदर अभी डेटा था वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो मॉनिटर कैसा डिवाइस हो जाएगा, एक हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा प्रिंटर है, जब प्रिंटर क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर के अंदर आपका रिजल्ट आ गया है, आप देख रहे हैं ऑनलाइन, और आप उसको प्रिंट करते हैं, तो वो एक पेज पे प्रिंट होकर बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आप ही का प्रिंट, जो आपकी मार्क्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या कर रहा है, आउटपुट बाहर निकाल रहा है डेटा को, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो थर्ड डिवाइस आता है, थर्ड तरह की कैटेगरी आती है, वो आती है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इस भाग को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा दिमाग है, जो हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सारे निर्णय सीपीयू में लिए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा बता रहा है, कंप्यूटर का दिमाग है, मतलब जो भी प्रोसेस करना है, जो भी मतलब एक तरीके से सारा काम करना है, इंपॉर्टेंट काम करना है, वो सब काम क्या करेगा, सीपीयू। सारा डेटा हम क्या कर देंगे, सारा डेटा जो इनपुट डेटा है वो इनपुट डेटा, इनपुट डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर को दे देंगे, कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस करेगा, मतलब अपने दिमाग में प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद, उसके मैनिपुलेशन के बाद, वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर हमें दिखा देगा। तो ये क्या हुआ, तो इस तरीके से सीपीयू जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके बाद की हम 2-3 चीजें जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल एंड फोल्डर है, वो हम
इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।